मुंबई सटे इलाके ठाणे के एक्सिस लॉन में ठाणे प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन मेवाड़ नवयुवक मंडल उप संघ ठाणे के तत्वाधान में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से देर रात तक चले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में तकरीबन 2000 क्रिकेट प्रेमियों की मौजूदगी रही और सभी लोगों ने इस खेल का आनंद लिया। तो वही देर रात तक खेले गए मैच के फाइनल विजेता टीम की बात करें तो कटारिया इंडियंस टीम ने ठाणे प्रीमियर लीग खिताब पर कब्जा जमाया। तो वही कार्यक्रम का शुभारंभ नौकार महामंत्र के साथ हुआ। पहला मैच के शुभारंभ की बात करें तो बिजोक्स ब्लास्टर और नाकोड़ा नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। दोपहर में महिलाओं की दो टीमों की भिड़ंत हुई जिसमें कैप्टन मोनिका चंडालिया की चंडालिया सुपर टीम ने विजय हासिल की, जबकि उप विजेता के रूप में कैप्टन रेखा कोठारी की लक्ष्मी चैलेंजर टीम रही। महिलाओं द्वारा पहली बार खेले गए इस क्रिकेट मैच को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जमे रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेवाड़ नवयुवक मंडल मुंबई के अध्यक्ष दीपक परमार, महामंत्री विजय कोठारी, कोषाध्यक्ष महावीर मादरेचा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ के अध्यक्ष दिलीप पगारिया रहे। सम्मान समारोह के दौरान नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अश्विन पोखरणा ने क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के विषय में अपनी बात रखते हुए संपूर्ण स्थानकवासी समाज का आभार जताया। तो वही मंत्री दिलीप चुरड़िया और कोषाध्यक्ष संदीप पिपाड़ा ने नवयुवक मंडल के युवाओं द्वारा दो महीने से की जा रही मेहनत के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा कामयाब और सफल हुआ है, इसके लिए पूरी टीम बधाई के पात्र है। इस अवसर पर मेवाड़ नवयुवक मंडल उप संघ ठाणे ने मैच के सभी स्पॉन्सर के प्रति विशेष आभार जताया। इस दौरान आए हुए तमाम मेहमानों और क्रिकेट के आयोजन को सफल बनाने में किसी भी तरह का सहयोग देने वालों का भी स्वागत किया गया। तो आइए देखते हैं मेवाड़ नवयुवक मंडल उप संघ ठाणे के पदाधिकारियों समेत विजेता टीम और मौजूद मेहमानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान मैच के आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा। 12 अलग अलग उपसंघों से ये टीमें बुलाई गई हैं, और लेकिन ठाणा का ये है इसलिए हमने यहाँ पे ऐसी व्यवस्था रखी कि ठाणा का ही ऑनर ही उस टीम बन सकता है, टीम ले सकता है। तो ऑनर ठाणा वाले ही हैं और टोटल स्पॉन्सर ज़्यादातर ठाणा संघ नहीं, पूरा अलग अलग लोगों को अलग अलग स्पॉन्सर देकर व्यवस्था की है। देखिए ये एक निमित्त मात्र है क्रिकेट वगैरह, इससे हम युवा में एकता का स्थापना हो सके, अच्छी एकता, मजबूत एकता संघ की, तो ये एक हमारी कोशिश रहती है। इसीलिए अन्य सभी उपसंघों में हम लोग ऐसा प्रेरणा देते हैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ आयोजन करो करो, ताकि क्या हमारे MNM का और मेवाड़ संघ मुंबई के युवाओं में एक नई एकता की स्थापना की जाए, ये उद्देश्य से हम लोग ये सब कार्यक्रम कराते हैं। ये जोश तो क्या होता है, कोविड की वजह से 2 साल 1.5-2 साल हम लोग घर से बाहर बराबर निकले नहीं और मिल नहीं पाए, सब कोविड गाइडलाइंस की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला तो हम सभी शुरू हो गया। कोई इस उपसंघ में प्रोग्राम रख रहा है, कोई उस उपसंघ में, कभी हमने रख दिया एक MPL हमने रखा था मेवाड़ प्रीमियर लीग जो ओरम था, तो उधर सबको बुलाया, फिर सबको हमने अलग अलग तरीके से प्रेरित किया कि आप भी ऐसा करो। तो अभी सब उपसंघ में, सभी उपसंघ में चालू हो गया, ऐसे आधे से ज़्यादा उपसंघ में प्लानिंग हो गई है, मीरावर में, बोरेली में, विले पार्ला में, भाईंदर में, सभी उपसंघों में कार्यक्रम, तो ठाकुर द्वारा में हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। देखिए प्लेयर, हर एक प्लेयर जो यहाँ पे खेल रहा है वो मेरा युवा मित्र है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी युवा नहीं जो मेरे से दूर है या मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो मुझे देखने का इसलिए मज़ा आता है कि हर युवा मेरा खास दोस्त है। अब क्या है कि हर एक को मैं यही सपोर्ट करने ही आया हूँ, लेकिन क्या हर एक का अलग अलग गेम रहता है, तो जीतने के लिए सभी आए हैं, लेकिन देखता हूँ मैं भाईंदर से बिलोंग करता हूँ, जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मेरा भाईंदर के लिए है, तो भाईंदर जीते ऐसी मैं कोशिश मन में रखता हूँ, बाकी सब युवा मेरे साथ है। की तरफ से विमल जी बोलिया को उनके उज्जवल भविष्य का अपना जैन कांग्रेस के उज्ज्वल भविष्य के कार्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि उनका कार्यकाल यशस्वी बने। सेमीफाइनल के लिए चैलेंजिंग था कुछ 95 का, लेकिन हमारे इसमें था ही नहीं, हमारा तो एक टारगेट था कि हमको फाइनल जीतना है बस। बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है, और ये पूरी टीम वर्क है, जो हम लोग 11 प्लेयर है ये हमारी पूरी टीम वर्क है, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो हमको पूरा सपोर्ट कर रही है।
100% कोई शक, जीतने के लिए आए, कोई शक, नो डाउट, जीतने के लिए आए, जीतना ही है, पूरे ट्राई करेंगे जनता की। सामने वाली टीम भी बहुत अच्छी है, खिलाड़ियों तो बहुत अच्छा है, एक मंच पे आए, सब एक साथ हो रहे हैं और दोनों टीमें अच्छी थी इसलिए फाइनल में पहुंची है। अच्छा है, खेल के प्रति उनका भाव बढ़ रहा है और उससे एकता हो रही है समाज में, सब मिल, हाँ एकता बढ़। आज कौन जीता कौन हारा मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मेवाड़ नवयुग मंडल थाना जीता है क्योंकि उसने सब लोगों का दिल जीता है और जो दिल जीतता है वही सच्चा विनर है। क्रिकेट की जीत हार होती रहती है। मैं एक आज मुझे बहुत खुशी का मौका है मेरे लिए, हमारे एक दोस्त विमल जी बोलिया, आज उन्हें थाना का जैन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया, आज इससे बड़ा दिन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। हमारे एक, मैं उनको तहे दिल से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, थाना संघ की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपका कार्यकाल काफ़ी उज्ज्वल हो, आप तरक्की की राह पर बहुत आगे बढ़े, हम आपके साथ तहे दिल से जुड़े हुए हैं। सर, हमारे अध्यक्ष साहब ने एक मीटिंग ली अर्जेंट में, काफ़ी टाइम हो गया कोविड की वजह से कुछ प्रोग्राम नहीं हो पाया है, क्या करना चाहिए, तो हमारी पूरी यूथ टीम ने एक नया आयाम कुछ चुना कि हम क्रिकेट टूर्नामेंट करते हैं, इससे सभी युवाओं को जोड़ेंगे, पूरे जैन समाज को जोड़ेंगे और पूरे हमारे MNM के जो सारे संघ हैं उन सबको जोड़ के हम लोग एक टूर्नामेंट करते हैं। तो सभी हमारे सहयोगियों ने काफ़ी अच्छा साथ दिया, सभी स्पॉन्सर ने सभी अच्छा साथ दिया और एकजुट होकर आज थाने की एकजुटता दिखाते हुए जो कार्यक्रम हुआ है वो अविश्वसनीय है। आज थाना संघ को लोग चारों तरफ, मतलब एक हाहाकार मचा हुआ है कि थाना में कुछ हुआ है, चारों तरफ न्यूज़पेपर देख लो कि न्यूज़ चैनल देख लीजिए, सब में एक ही चल रहा है कि थाना के जो टीम ने जो काम किया है, MNM ने जो काम किया है, अध्यक्ष मंत्री और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है। काफ़ी समय से ये सब प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी लेकिन सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बेखूबी निभाई, किसी के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं था और अध्यक्ष साहब हमारे अश्विन जी पोगना, उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी। जिस टीम से जो कमेटी बनाई उसमें ऐसा था कि मनीष जी आपको ये काम करना, तो मनीष जी उसके ऊपर लगे हुए हैं, मनोज जी आपको ये काम करना, उसमें मनोज जी लगे हुए हैं, पूरी टीम ने मिलकर काम किया तभी ये सब संभव हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह और भी कुछ आयोजन है, आप हमें जिम्मेदारियाँ दें, हम उसको बेखूबी निभाएंगे और थाना का नाम, थाना MNM का नाम और हमारे संघ समाज का नाम हम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। सर, ये टीम जो बनी है ना MNM की, सर लाजवाब है, इनमें जो तालमेल है सर आज दिन तक हमने कभी नहीं देखा, अध्यक्ष मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों का जो तालमेल है सर अविश्वसनीय है। इनका जो तालमेल सर, अगर एक हाँ बोलता है तो तीनों का हाँ है, अगर एक ना बोला तीनों का ना है, मतलब हर काम में हमने ना नहीं सुना है। मनीष जी ठीक है ना, ओके, मतलब हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, हमारी टीम के ऊपर, ओके आप जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, मतलब हमको ये प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने में बहुत मजा आया सर। मैं तहे दिल से इनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इस काबिल समझा कि पूरी टीम को जवाबदारी दी और हमने बेखूबी निभाया। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप इसी तरह आगे बढ़े, पूरा संघ और समाज आपके साथ है। ये मनीष जी की बड़प्पन है कि ये इसका श्रेय मुझे दे रहे हैं, मैं इसका श्रेय अपनी पूरी टीम को देता हूँ और इंडिविजुअली जो जो अपने कोर कमेटी बनी और जिस जिसने अपना छोटे से छोटा काम किया और बड़े से बड़ा काम किया, सब ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से नंबर वन काम किया और इसी वजह से ये काम इतना अच्छा हो पाया। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाता है लेकिन उसके साथ यदि ऐसी टीम जुड़ी हो तो वो कुछ भी कर सकती है और इतिहास बना सकती है और आज हमने इतिहास बनाया है और यह एक अविस्मरणीय हो गया है हमारे लिए कि आज कुछ हुआ है ऐसा और हम ऐसा चाहते हैं कि यह टीम हमारे साथ जुड़ी रहे और आगे भी हम इससे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें और सबके साथ जुड़े रहें, सबका साथ मिलता रहे, प्रेम स्नेह मिलता रहे। तो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग था, हम लोग काफ़ी प्लान करके आए थे, प्लानिंग थी हमारी, वो स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी एंड वो हर एक इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने एंड वो रिजल्ट हमारे आज फाइनल्स में हम आ गए। हमारी टीम का नाम है कटारिया इंडियंस है बट हम लोग बाइंदर से बिलोंग करते हैं, हमारे टीम ओनर का नाम कटारिया इंडियंस है। हमने ये करीबन जो सेमीफाइनल मैच है ऑलमोस्ट हमने 50 रन से जीते और ऑल आउट किया हमने, एक्चुअली ऑल आउट किया। फाइनल में
चैलेंजिंग भी है क्योंकि वो टीम भी बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, और हमने भी काफ़ी स्ट्रांगली हम लोग आ रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली हम लोग खेलने वाले हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलने वाले हैं, बट ऑनेस्टली हम लोग पहले स्पोर्ट्समैनशिप्स को देख के खेलेंगे, हम लोग मेन हमारा वही है, और हम लोग हर एक इंडिविजुअल प्लेयर हमारे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म। जय जिनेंद्र साहब, मैं संदीप कांतिलाल कटारिया दिलवाड़ से बिलोंग करता हूँ, और मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं जो टीम ले हूं, और कटारा इंडियन के रूप से मैंने टीम बनाई, और शुरू से इच्छा थी कि मैं भाईंदर, मेरा ससुराल वहाँ है, और या तो मेरे को थाने का टीम मिले या फिर भाईंदर का टीम मिले, ऐसी इच्छा थी, और लकीली मेरे को भाईंदर का टीम मिली, लॉटरी सिस्टम था, काफ़ी अच्छी टीम मिली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, दूसरी टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, विक्रोली, वसाई, बोरीवली और अन्य थाने टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर हमारी टीम ने अच्छा टीम वर्क किया, जीतने का मैं बोलूँगा 80-20 रेशियो था, टीम ने काफ़ी अच्छा टीम वर्क किया, उसके बलबूते आज हम ये सीरीज जीते हैं, ऐसे ही आगे संघर्ष करते रहेंगे, और जीत का श्रेय पूरा टीम वर्क दिया जाऊँगा, क्योंकि एक एक टीम में एक मैच में हमारा दो प्लेयर खेले तो दूसरी टीम में किसी दूसरे ने निकाला, तो ऐसे पूरा टीम वर्क को मैं श्रेय दूंगा, और या इस टीम एफर्ट दैट वी वन दिस टूर्नामेंट, एंड काफ़ी खुशी है तो टीम वर्क हम जीते, अच्छी अच्छी टीमों को हम हरा के ये फाइनल जीता है, सो इट्स हाँ। तो मेरे को लगता है कि वो अच्छी से अच्छा खेल रही थी, पर एक लास्ट वाले मैच में थोड़ा टीम वर्क उनका नहीं रहा, बाकी उन्होंने भी 100-125 रन 200 मैच में बनाए, पर लास्ट वाले थोड़ा टीम वर्क टूटा और उनके जो विकेट गिरे फिर गिरते ही चले गए, तो इसलिए वो एक हिस्सा चेंज नहीं कर पाए, इसके लिए हम अच्छे रन से जीते, 40-50 प्लस रन मारी हम जीते इनसे, तो ये एक टीम वर्क एफर्ट रहा और उनका थोड़ा वो मिस रहा लास्ट मैच में, तो इसके लिए हम जीते, सो इसलिए पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, एंड संघ समाज ने जो अच्छा काम किया है, और मेरे माता पिता, फैमिली, भाई बहन, भाई भाभी जी सब ने अच्छा सहयोग किया, तो सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, समाज को धन्यवाद, ऐसे कार्यक्रम आगे करते रहे और संघ समाज को आगे बढ़ाते रहे, धन्यवाद। बहुत ही जोरदार प्रोग्राम यहाँ के नवयुवकों ने रखा है, और टीमों ने बहुत ही बढ़िया जोरदार मैच खेला है, फाइनल में शानदार तरीके से भाईंदर टीम ने जीती है, और बहुत अच्छा मैच रहा है, सारा आयोजन बहुत, हमारी टीम ने बहुत बड़ा सहयोग रहा है सबका, और बच्चा बहुत अच्छा रहा है। मेरे हिसाब से आज कोई नहीं जीता, आज क्रिकेट जीता है, लोगों के दिलों की भावनाएं जीती है, और एक समाज जीता है, जो समाज को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया था, सोचा था कि हम इनको प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो मुझे लगता है लगभग हर आदमी को हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए हैं, तो ये सामाजिक दृष्टि से और खिलाड़ियों की दृष्टि से काफ़ी अच्छा आयोजन था, और आगे भी भविष्य में हम इन सबको मंगल कामनाएं देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विमल जी बोलिया जैन कॉन्फ्रेंस थाने जिला के अध्यक्ष पद पर आज ही दिल्ली से नियुक्त हो गए हैं, तो इनके जो विचार है उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इनके विचार एक युवाओं में जो रोजगार की कमी है उनको ये बढ़ाना चाहते हैं, एक सार्क इंडिया नाम से एक थाने में सबसे पहला कार्यक्रम करना चाहते हैं, उसके बाद युवती सम्मेलन जो आज जैन समाज में सबसे बड़ा मुद्दा है कि कितने ही घरों के युवक युवतियाँ घर पे बैठे हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उस प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, सब युवाओं को एक से एक जोड़ेंगे, एक टीम बनाएंगे, एक थाना को एक आदर्श स्थान पे लेके जाएंगे।